दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कि अगर हमें रात में स्क्रीन खोलनी पड़ जाए, रात में मैटर उठाना पड़ जाए, तो हम किस तरीके से मैटर उठाएंगे, किस तरीके से हम रात में स्क्रीन को खोलेंगे लाइट बॉक्स के माध्यम से। आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, कितना टाइम आपको दिखाना है, क्या करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये जो आप मैटर देख रहे हैं, ये मैटर मैंने रात में खोला है, और आप जब वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप रात में मैटर खोल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने फ्रेम के ऊपर सुपर कोट लगा रहे हैं, और याद रहे कि ये वीडियो रात में शूट किया गया है। वीडियो को मैंने स्पीड दे रखी है, और वीडियो की जो खुद की आवाज़ थी उस आवाज़ को बंद करके अलग से मैंने इसके अंदर आवाज़ लगाई है। देख लीजिए, सुपर कोट लगा रहे हैं इसके ऊपर सबसे पहले हम रात में। दोस्तों, सुपर कोट लगा देने के बाद अब हम इसको हेयर ड्राइव से सुखाएंगे। देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देख लीजिए, हमने अपने हेयर ड्राइव को लगा लिया है बोर्ड के अंदर और चालू कर दिया है, और अब हम इसको हम सुखा रहे हैं। लाइट बंद करके मैंने इसको सुखाया था, देख लीजिएगा, अंधेरे में बिल्कुल इसको सुखाया। और फिर सुखाने के बाद जो थोड़ा बहुत रह गया था उसको मैंने देख कर लाइट जला कर कि कहाँ कहाँ से अभी तक सूखा नहीं है, उसको सुखाया हेयर ड्राइव से। ये सिर्फ 5 मिनट में सूख कर रेडी हो चुका था। और फिर मैंने अपने लाइट बॉक्स को तैयार किया। लाइट बॉक्स तैयार कर लेने के बाद उसके ऊपर जो हमारे बटर वगैरह थे वो सेट किए, और फ्रेम को सेट किया बिल्कुल अच्छे तरीके से। जो हमारे डिज़ाइन थे उनको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने इसके ऊपर सेट किया। और सेट कर लेने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो वेट रखना होता है, वज़न रखना होता है इसके ऊपर, इस तरीके से एक वेट रखा, वज़न रखा इसके ऊपर, ये देख लीजिएगा। और वज़न रखने के बाद फिर इसके ऊपर एक चीज़ और रखी मैंने ताकि अच्छे से वेट पड़े, ये काफ़ी वज़नी भारी चीज़ थी। और फिर इसके बराबर में यहाँ पे जगह बची हुई थी, यहाँ पे मैंने इस फट्टे को सेट किया ताकि लाइट बाहर ना आ सके, हमारी रोशनी बाहर ना आ सके। और जहाँ पे मुझे डाउट था कि यहाँ को रोशनी बाहर आ सकती है, लाइट बाहर आ सकती है, तो वहाँ पे मैंने इस कपड़े को अच्छे से लगा दिया ताकि रोशनी बाहर ना निकल सके ज़रा सी भी। और फिर मैंने अपने लाइट बॉक्स का स्विच लगाकर इसको चालू कर दिया। देख लीजिए, ये रात में चालू हो रहा है, देख लीजिएगा, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। और इस तरीके से इसको मैंने यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट तक इसको रख के रखा लाइट जलाकर। और फिर जब 7 मिनट इसको मैंने लाइट दिखा के रखा, फिर मैंने इसको उठाया यहाँ से, देख लीजिए, इस तरीके से इसको सारे सामान को उतारा इसके ऊपर से। और उतार लेने के बाद फिर मैंने अपने फ्रेम को उठाया और लाइट बॉक्स को बंद किया, लाइट जो थी इसकी जली हुई उसको बंद किया, और फिर मैं इसको पानी में ले गया धोने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा, वीडियो को मैंने स्पीड दी, कहीं से कट किया, और तमाम चीज़ें कर लेने के बाद इसको थोड़ा मैंने रगड़ा हल्के हाथ से बिल्कुल पानी डालकर इसमें। और फिर जब मैंने इसको देखा कि मेरा मैटर उठ चुका था, तो फिर मैंने इधर लाकर दूसरी साइड में, देख लीजिएगा, आपको दिखाने की कोशिश की। अब देख लीजिएगा, हमारा मैटर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खुल चुका था। इतना ज़बरदस्त मैटर हमारा खुल चुका था, ऐसा मैटर हम दिन में भी नहीं खोल सकते। दोस्तों, जब मैंने अपने मैटर को देखा कि इतना ज़बरदस्त मैटर खुल रहा है रात में, तो बड़ी खुशी हुई, और जो लाइट बॉक्स बनाया था उसका फ़ायदा भी हमें हासिल हो चुका था।